नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डीजे में। दोस्तों टेक की बात टेक डीजे के साथ के इस ताजा तरीन एपिसोड में फिर से स्वागत है दोस्तों आपका। और आज मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ इन्फिनिटी की ओर से आने वाले ब्लूटूथ स्पीकर क्लब Z150 का दोस्तों। तो बहुत ही डिसेंट एक पोर्टेबल स्पीकर है दोस्तों, तो जल्दी से जान लेते हैं इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 43mm का एक ड्राइवर लगा है इसमें, जो कि 4.5W का आउटपुट देता है दोस्तों। और बैटरी कैपेसिटी है 750mAh की, जो कि लगभग 8 घंटे का प्ले टाइम देती है 50% वॉल्यूम पर अगर आप इसको रन करते हो दोस्तों। लिथियम पॉलीमर बैटरी लगी हुई है, जो कि चार्ज करने में लगभग 3.5 घंटे ले लेती है, यानी कि 3.5 घंटे में आप इसे फुल चार्ज कर सकते हो दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि IPX7 वाटर प्रूफिंग के साथ आता है, यानी कि कंप्लीटली वाटर प्रूफ है। आप पानी में भी इसको डालोगे, आप बारिश में जाते हो, कहीं भी आप आउटडोर जाते हो, पूल साइड पार्टीज वगैरह करते हो दोस्तों, तो बहुत ही डिसेंट है दोस्तों। बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, क्योंकि IPX7 वाटर प्रूफिंग रेटिंग के साथ आता है और ब्लूटूथ 4.2 कनेक्टिविटी के साथ आता है दोस्तों, जो काफी अच्छे से पेयर हो जाता है दोस्तों। तो ये थी इसकी क्विक स्पेसिफिकेशन, और अब चलते हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अनबॉक्सिंग में देखते हैं। तो दोस्तों ये है इन्फिनिटी की ओर से आने वाला स्पीकर क्लब Z150, और यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे होंगे कि हारमन की इन हाउस जो ब्रांड है इन्फिनिटी, JBL, AKG, रेवल और हारमन कार्डन, तो इनमें से एक, और माइक्रो USB चार्जिंग के लिए पहली चीज़ जो हमें मिलती है बॉक्स के अंदर। दूसरी चीज़ हमें मिलती है शू स्ट्रैप इसको हैंग करने के लिए। तीसरी चीज़ हमें मिलती है स्पीकर, काफ़ी अच्छा प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है, आप देख पा रहे होंगे। और कुछ म्यूजिक कंट्रोल्स ऊपर की तरफ लगे हुए। सबसे पहले वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन, ये पावर का बटन, और ये इसको हैंग करके ले जाने के लिए होल्डर, और यहाँ प्ले और पॉज का बटन, इससे हम सीरी और गूगल असिस्टेंट को भी चलाएंगे बाद में, मैं आपको सारा बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर इन्फिनिटी इनक्रिप्टेड और कुछ टेक स्पेसिफिकेशन, और इसके अंदर जो आप देखोगे चार्ज और ऑक्सिलरी इनपुट, माइक्रो USB इनपुट है चार्जिंग के लिए, और ये यहाँ पर 3.5mm जैक, और सामने आपका इन्फिनिटी का लोगो इनक्रिप्टेड ब्रांडिंग की भी, और नीचे ये माइक्रोफोन, इससे आप स्पीकर फोन पे भी आप बात कर सकते हो, तो काफ़ी डिसेंट है। तो दोस्तों ये थी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग, और क्विक अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसके जो भी इसमें कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, और वो सारे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्या क्या इसमें कंट्रोल्स मिलते हैं। म्यूजिक कंट्रोल की मैं बात करूँ दोस्तों, बीच में ये पावर बटन है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे लॉन्ग प्रेस, तो व्हाइट लाइट इस पर ब्लिंक करेगी और ये ऑटो कनेक्टेड मोड में आ जाएगा। ये नीचे जो बटन दिया हुआ प्ले और पॉज का बटन, इससे आप अपने सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हो। वॉल्यूम प्लस और माइनस के जो बटन है, सिंगल प्रेस करोगे यानी कि शॉर्ट प्रेस आप करोगे तो वॉल्यूम प्लस माइनस होंगे, और लॉन्ग प्रेस आप करोगे तो नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक यहाँ पर होंगे। जैसे वॉल्यूम प्लस का देर तक दबाओगे दोस्तों आप, तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, और माइनस को दबाओगे। अब ये प्ले और पॉज का जो बटन है, इसको दो बार प्रेस करने पर, शॉर्ट प्रेस अगर दो बार करोगे तो सीरी और गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, और कॉल रिसीव करने के लिए भी सिंगल टेप आपको करना है, और कॉल के बिटवीन आपको काटने के लिए भी सिंगल टेप करना है। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो कॉल को, देर तक प्रेस करें दोस्तों तो कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे हम म्यूजिक इस पर रन कर सकते हैं, और डीप बेस मोड और नॉर्मल मोड में भी मैं आपको चला के देखूंगा, आप खुद ही डिटेक्ट कर लेना। और मैं वॉल्यूम प्लस माइनस के दोनों बटन अगर एक साथ दबाऊंगा तो डीप मोड एक्टिवेट हो जाएगा, और वॉल्यूम प्लस माइनस के दोनों बटन एक साथ अगर देर तक प्रेस करूंगा तो नॉर्मल मोड में स्विच हो जाएगा दोस्तों। तो अभी मैं इसको कर देता हूं ब्लूटूथ से पेयर, और उसके बाद चला लेता हूं सॉन्ग। Hey!
नॉर्मल। तो दोस्तों अब आते हैं हम इसके फाइनल रिव्यू की ओर। तो फाइनल रिव्यू में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हरमन की ओर से आने वाले इन हाउस ब्रांड इन्फिनिटी का ये स्पीकर बहुत ही डिसेंट लुक में आता है दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और जिसका कॉम्पैक्ट साइज है ये और भी ज़्यादा एल्योर करता है आपको, आपको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करेगा दोस्तों। और जो उसका साउंड क्वालिटी है बहुत ही डिसेंट है, अगर आप नॉर्मल मोड में इसको चलाते हो दोस्तों तो बहुत ही डिसेंट साउंड आपको प्रोवाइड कराता है और जो वोकल्स हैं काफ़ी अच्छे निखर के आते हैं दोस्तों। और मैं जैसे मूवी देखता हूँ कभी कभार तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वोकल्स अगर बहुत ही क्लियर हो, बहुत ही लाउड हो तो बहुत ही मजा आता है मूवी देखने में। और जो इसका साउंड है दोस्तों काफी बैलेंस है, और साउंड की मैं बात करूंगा दोस्तों कि अगर 60-70% तक आप सुनते हो तो बहुत ही डिसेंट साउंड आता है, और अगर आप नॉर्मल मोड में 100% तक भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। बेस भी काफी अच्छा डिलीवर करता है जिस आपके इसका साइज है दोस्तों। और आप इसके साइज पर न जाइए दोस्तों, साइज तो इसका बहुत छोटा है लेकिन उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा साउंड की क्वालिटी बहुत ही डिसेंट है दोस्तों। तो ये तो था इसका एक और जो खूबी थी कि साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। एक और खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा, IPX7 वाटरप्रूफिंग है दोस्तों, कंप्लीटली वाटरप्रूफ है, तो ये भी एक और अच्छी बात मुझे लगी दोस्तों। और डिजाइनिंग तो बहुत ही प्रीमियम है, जो नेट है इसके बाहर से जो नेट लगी हुई है दोस्तों तो वो इसको और भी अच्छा लुक दे देती है। तो ये तो इसकी खूबियां दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं हम इसकी कमियों की तरफ। कमियां ज्यादा कुछ नहीं लगी मुझे दोस्तों, मात्र दो कमियां ही मुझे लगी। सबसे पहली कमी की चार्जिंग टाइम दोस्तों, 3.5 घंटे चार्ज करने में ले लेता है, मात्र 750 mAh की जो बैटरी है दोस्तों, लिथियम पॉलीमर बैटरी, उसको चार्जिंग का टाइम है 3.5 घंटे। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा रैपिडली ये चार्ज कर पाता तो ज़्यादा अच्छा होता दोस्तों। आजकल ऐसे भी स्पीकर हमें मार्केट में मिल जाते हैं जो काफ़ी जल्दी 1.5 या 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं दोस्तों। तो पहली कमी ये थी चार्जिंग को लेकर। दूसरी कमी मुझे लगी दोस्तों कि अगर हम डीप बेस मोड में स्विच कर लेते हैं इसको नॉर्मल मोड से, तो हमें जो हाई है और मिड है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस नज़र आता है, यानी कि बेस हमें जो मिलता है वो इतना अच्छा भी नहीं मिलता है, क्योंकि छोटा सा ड्राइवर दोस्तों 43 mm का जो ड्राइवर है और उसको हम ज़बरदस्ती अगर बहुत तेज बेस बजाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाता, तो जो साउंड क्वालिटी है वो घुटती हुई सी नजर आती है दोस्तों। तो ये तो था इसका फाइनल रिव्यू दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक इट करना है दोस्तों, और जो मेरे नए व्यूअर हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि मेरे नए वीडियोज आपको मिलते रहे सबसे पहले।